मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला तब उजागर हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा का है, जहां एक 13 साल की नाबालिग लड़की से उसी के पड़ोस में रहने वाला एक रेलकर्मी लड़की के हाथ पैर बांधकर उसका बलात्कार किया और लड़की को धमकी भी दी। साथ ही ये भी कहा कि अपनी माँ को अगर बताएगी तो तेरी माँ बीपी की मरीज है और उसकी मौत हो जाएगी। मगर जब लड़की को उल्टी होने लगी तब माँ ने कड़ाई से पूछताछ की तो लड़की ने पड़ोस में रहने वाले रेलकर्मी ने उसके साथ जो दरिंदगी की उसकी हकीकत अपनी माँ को बता दी। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुँचा तो पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी रेलकर्मी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग लड़की का मेडिकल जाँच भी कराई गई। सुनिए पीड़ित लड़की और उसकी माँ साथ में अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने इस पूरी घटना पर क्या जानकारी दी है। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू चौधरी। कहाँ रहती हैं आप? बड़गांव। बड़गांव में किस जगह पर रहती हैं? एच डी सिंह के मकान में। हाँ। किराए के मकान में रहते हैं। हाँ। उम्र कितना होगा आपका? 13 वर्ष। हाँ। पढ़ाई करती हैं कहीं? हाँ। कहाँ पे पढ़ती हैं? आलोक शिक्षा निकेतन। क्या घटना हुई है? मम्मी नहीं थी, कोई नहीं था, हमारी बहन थी। छत पे मेरी बहन को भेज दिया कपड़ा लाने के लिए। हमको जबरदस्ती हाथ बांध लिया, मुंह बांध लिया, मुँह कपड़े बांध दिए, गोड़ बांध दिए चौकी में। जबरदस्ती मेरे साथ की है। कौन था ये? ये मेरे बगल के रहते हैं, किराए पे रहते हैं। क्या नाम है इनका? हम का नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानती हैं? नहीं। कितने दिन से रहते हैं किराए पे? ये आए हैं ठंडी में आए हैं। इनकी वाइफ नहीं थी, अकेले थे। नहीं, पहले इनकी वाइफ रहती थी कि कभी नहीं? वाइफ रहती थी, इनकी वाइफ चली गई थी। अच्छा, इस समय इनकी वाइफ नहीं थी? इनकी वाइफ आई है अभी जल्दी, 5 तारीख को आई है। ये कांड घटना किस डेट की है? 26 तारीख, अगले महीने की, पिछले महीने की। हाँ। 26 तारीख को। हाँ। तो आप पहले क्यों नहीं शिकायत की? मम्मी से शिकायत की थी पहले? कहे कि मम्मी को शिकायत करी तो मम्मी मर जाएंगी। कहे कि शिकायत करी तो मम्मी मर जाएंगी। शिकायत करोगी तो मम्मी को, मम्मी मर जाएंगी। हाँ, कहते हैं मम्मी को बीपी का मरीज है, मम्मी मर जाएंगी। इसके पर जब आपने शिकायत तो फिर मम्मा से बताई कि नहीं बताई? मम्मी से नहीं बताए। तो मम्मा से कब बताई? कल बताया है। तो पहले क्यों नहीं बताई? वो मना किए थे, कहीं बताओगी तो मम्मी मर जाएगी। और कल क्या बोले थे कि बता देना? नहीं बताया, नहीं तो मम्मी ने खुद पूछा था। मम्मी कैसे? मम्मी पूछने लगी मम्मी को क्या नहीं क्या आए थे 15 तारीख को इसी मारे। तो आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? नहीं, यहाँ पर दिए हैं, पुलिस चौकी पे। तो अभी कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? भी हो रही है। जो व्यक्ति है उसको लेके आई हो? हाँ। क्या करता है वो? वो सरकारी नौकरी करता है, ट्रेन का। वो इनकम गिराने वाला नहीं होता, फटा फटा वही काम करता है सरकारी। थैंक यू। रहने वाले कहाँ के हैं? हम हैं मेहापुर के। मेहापुर ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? लीला बस्ती के आगे, मेहदावल जी। तो यहाँ किराए पर रहते हैं? थैंक यू। क्या नाम है आपका? जो पीड़िता है इसका क्या नाम था? पीड़िता जो थी अभी बच्ची थी, इसका उम्र क्या होगा? 13 वर्ष। क्या घटना हुई थी? इसे बलात्कार हुआ। ये कब हुआ? घटना कब की है? 26 तारीख। 26 तारीख को। तो आपने शिकायत क्यों नहीं किया अभी तक? शिकायत नहीं, कल से पूछे हैं, आज बताई, पूरा कबूली है, अभियान बताई है, यही है। हम कहीं उसको कहूँ क्या? नहीं, जो हमारे बगल में आता है वही। हमारा नोछा बना, हमें बलात्कार किया है, 100 रुपया दिया है। कह रहा था मम्मी खाना बनाने जाएंगी, हम हर महीने तुमने मम्मी के 10,000 देंगे। क्या करती है? खाना बनाते हैं, चिल्ली कोठी में। अच्छा, आपको मतलब काम करती है अपना? हाँ, अभी 2 महीना हुआ। हस्बैंड क्या करते हैं? मिठाई का काम करते हैं। यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं। दो ही लोग रहते हैं? नहीं, लड़का भी रहता है। लड़का 1 महीना से भी बाहर गया, पेपर दिया गया था लड़का का, भतीजा का, कहीं लड़का गया साथ में। ये बच्ची आपकी है? हाँ। आपने कहीं ये शिकायत किया कि नहीं किया अभी तक? शिकायत किया, अभी पुलिस चौकी पे की है। हाँ। तो यहाँ से इंचार्ज ने कुछ आश्वासन दिया आपको? हाँ, साधन दिए हैं, अब इनके जेल कटाएंगे जी। उसको उठाए कि नहीं उठाए व्यक्ति को? नहीं उठा, उसको बंद कराएंगे जी। युवक को लेके आए? हाँ, युवक उस व्यक्ति को लेके आए पुलिस वाले? हाँ, लेके आए, उठा तो जी, लिखाए, तुरंत आया। थैंक यू।
ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ एक रेलवे का कर्मचारी है, उसने इसको बहला फुसला के उसके साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है और तत्काल ही उसको अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान आदि की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई शीघ्र पूरी की जाएगी और इसमें हम लोग बहुत जल्दी ही आरोप पत्र घोषित करके बहुत जल्दी से सजा दिलाने की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।